सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के पवन सीरीज के अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट को। तो चलिए, अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट को आज यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन से हम स्टार्ट करेंगे। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है, यानी कि यहाँ पर शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है, ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है। यह किसका कथन है कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आपने मनुष्य का जीवन प्राप्त किया, आप मनुष्य हो, तो आपको शिक्षा ग्रहण करना, ज्ञान आपको ग्रहण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति की समाज में एक इज्जत होती है और लोग उसको सम्मानजनक निगाहों से देखते हैं। तो इस तरीके से जो ज्ञान होता है, जैसे कि शिक्षक का जो स्थान होता है समाज में, वो क्या होता है, एक प्रतिष्ठापूर्ण होता है। एक तरीके से लोग शिक्षक की तरफ कैसे देखते हैं कि हाँ, ये समाज को आदर्शवादी बनाएंगे, या ये जो शिक्षक का पद है ये क्या है, एक तरीके से इसको लोग आदर्श ही समझते हैं कि ये बच्चों को, आने वाले भविष्य को संवारेंगे, हमारे देश में बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे। दोस्तों, हमारे देश में अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो कहीं ना कहीं वही बच्चे आगे चल करके आदर्श स्थापित करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर कहा गया है कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है, यानी कि अगर आपने मनुष्य का जन्म लिया है तो आपको ज्ञानी होना है, अज्ञानी नहीं। तो यहाँ पर ये कथन किसका है, ये महत्वपूर्ण है, ये कथन किसका है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है, ये कहा गया है प्लेटो के द्वारा। तो नाम आप याद रखिएगा, प्लेटो का कथन है। क्वेश्चन नंबर टू है, महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा। महर्षि वेद व्यास के अनुसार शिक्षा क्या है। महर्षि वेद व्यास का कथन है कि ज्ञान शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन नहीं करती, दिग्दर्शन ही नहीं कराता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। यानी कि महर्षि वेद व्यास का कथन क्या है, एक बार फिर से आप सुनिए। ज्ञान जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। यानी कि ज्ञान केवल और केवल आप रट्टू तोते बन जाओ या केवल आप रट लो, वो चीज नहीं है। कैसे आपको बोलना चाहिए, लोगों से व्यवहार कैसे करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बात, किसी अपनी बात को कैसे दूसरे के सामने रखना चाहिए, ये सभी चीजें आपको शिक्षा के द्वारा ही आप सीखते हो। क्वेश्चन नंबर थ्री है, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कहा गया है, शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है। शिक्षा एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। आपको पता है, जीवन में कोई भी लक्ष्य, आपको किसी भी उद्देश्य तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी भी फील्ड में जाओगे, तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में भी कई बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी है इसका आंसर क्या है, अरस्तु। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, यह कथन किसका है। तो यह कथन शेक्सपियर का है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है, यह किसने कहा। यह कहा महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर एट है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है। आत्म अभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर नाइन है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अनौपचारिक शिक्षा आप सभी लोगों को पता है, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी दशा, परिस्थिति अथवा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है।
अब यहाँ पर मैं अगर इजी वे में बताऊं, अनौपचारिक शिक्षा दोस्तों, आप स्कूल के बाद जो भी शिक्षा कहीं पर भी आप सीखते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, अपने आस पड़ोस में, अपने किसी रिलेटिव के घर गए हो, कहीं पर भी आप गए हो, जहां से भी आप कोई भी चीज सीखते हो, स्कूल को छोड़ करके अपने आप बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने गए हो, कहीं पर भी, किसी ग्राउंड में, वहां पर भी, अगर आपने जहां से भी कोई भी शिक्षा ग्रहण की है, वो सभी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और स्कूली शिक्षा औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा में जो आपके माता पिता आप लोगों को संस्कार देते हैं, आपके दादी बाबा, जो भी आपके परिवार में आपके रिलेटिव, ये सभी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग, इसी को बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा को। क्वेश्चन नंबर 11 है, पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षा प्रणाली है, जो डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा ही वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों का नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सा विद्या या विमुक्तये का क्या अर्थ है? ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, यानी कि जो ज्ञान है वो व्यक्ति को जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, वही ज्ञान क्या होता है? सच्चा ज्ञान होता है, सच्ची विद्या होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? यह शिक्षा गुरु के घर या कुल में प्राप्त होती थी, गुरु के घर या कुल में प्राप्त होती थी, इसी कारण इसे गुरुकुल शिक्षा कहते हैं, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? स्नातक कहते थे। और स्नातक आज हम किसे कहते हैं? किसी ने बीए कर लिया है, किसी ने बीएससी कर लिया है, किसी ने बीकॉम कर लिया है, तो हम इसे क्या कहते हैं? स्नातक कहते हैं। वैसे ही एक वेद के ज्ञाता को, एक वेद, जैसा कि 4 वेद अभी आपने देखा है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, तो इन्हीं चारों में से अगर किसी ने भी एक वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो वो क्या कहलाता था? स्नातक। अब सेम क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राचीन काल में दो वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? दो वेद के ज्ञाता को हम वसु कहते थे। क्या कहते थे? वसु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन काल में तीन वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो तीन वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राचीन काल में चार वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो चार वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? आदित्य। तो एक वेद के ज्ञाता को स्नातक, दो वेद के ज्ञाता को वसु, तीन वेद के ज्ञाता को रुद्र और चार वेद के ज्ञाता को आदित्य कहते थे, और ये नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तब कौन सा संस्कार किया जाता था? दोस्तों, चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था। तो जब वैदिक काल में बच्चा गुरुकुल में प्रवेश लेता था तो उसका चूड़ा कर्म संस्कार होता था। क्वेश्चन नंबर 21, गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार होता था? दोस्तों, जब बच्चे को घर से भेजा जाता था, यानी कि जब घर से उसके परिवार के लोग उसे भेजते थे बच्चे के, तब वहां पर उपनयन संस्कार होता था, क्योंकि बच्चा गुरु के समीप जाता था। और जब आश्रम में प्रवेश लेता था, जब आश्रम गुरु के आश्रम के पास वो पहुंचता था, जब वो वहां पर प्रवेश लेता था तो प्रवेश लेने के लिए उसे चूड़ा कर्म संस्कार करना पड़ता था। तो जब वो प्रवेश के लिए जाता था तो उपनयन संस्कार, और जब वो वहां पर पहुंच जाता था, जब वो गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए बिल्कुल तैयार होते थे, तो पहले उनका चूड़ा कर्म संस्कार कराया जाता था, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या? उप मतलब नजदीक, नयन मतलब आंखों के, तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास या गुरु के समीप ले जाना। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर जब पूरा बच्चे पढ़ाई कर लेते थे तो उनका समापवर्तन, यानी कि विद्या समापवर्तन संस्कार होता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? डॉक्टर आर के मुखर्जी ने मत डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था, यानी कि जो बौद्ध शिक्षा थी वो काफी हद तक जो हिंदू धर्म में या वैदिक कालीन जो शिक्षा पद्धति थी या ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली थी उससे काफी हद तक
उसमें कुछ ना कुछ समानता देखने को मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? तो मौखिक थी, मुख से बोल करके ही सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, क्योंकि पहले मौखिक शिक्षा ही अधिक होती थी, लिखित कम होती थी। आप लोगों को ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले जो चीज गुरु एक बार बोल करके बता देते थे, बच्चे वो चीज याद कर लेते थे जो उनके शिष्य थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि बच्चों को पढ़ना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, ये आप लोगों को भी पता है अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है मोहम्मद साहब ने, आप देखिए, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। यानी कि शिक्षा को क्या माना गया? सर्वोपरि माना गया। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा तो उससे कहीं जितना आप दान कर रहे हो उससे कहीं करोड़ों गुना ज्यादा दान करेगा बच्चा, अगर अच्छे से पढ़ा लिखा दिया आपने तो। बहुत ज्यादा सोच करके यहाँ पर ये चीज कही गई है, आज से कितने सालों पहले कही गई है आप सोच सकते हो, तो उस टाइम पर भी शिक्षा का बहुत महत्व था। क्वेश्चन नंबर 27 है, हुमायूं नामा किसने लिखा? दोस्तों हुमायूं नामा, हुमायूं की बहन, यानी कि हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर थे। तो इनकी इनके जो पुत्र थे हुमायूं और इनकी पुत्री गुलबदन बेगम, तो यहाँ पर हुमायूं के जीवन के बारे में इनकी पुत्री, बाबर की पुत्री यानी कि गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन है, उन्होंने हुमायूं के जीवन के बारे में पूरा छोटी सी छोटी चीज लिखी है, यानी कि कब उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, किस तरीके से उनकी क्या क्या चीजें उनको पसंद थी, क्या क्या चीजें वो करते थे, इन सभी के बारे में उन्होंने हुमायूं नामा में लिखा है। तो गुलबदन बेगम ने इसे लिखा है, आप याद रखिएगा, ये हुमायूं की बहन थी। बाबर कौन था? हुमायूं और गुलबदन बेगम के पिता। क्वेश्चन नंबर 28 है, मक्तब में प्रवेश की आयु क्या होती थी? मक्तब में प्रवेश की आयु, आपको पता है कि जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था तब बच्चे को स्कूल में प्रवेश के लिए लाते थे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में। तो यहाँ पर मकतब में प्रवेश की आयु 4 वर्ष या 5 वर्ष होती थी। अगर आपको याद है तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हो, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में, ठीक है। और इस तरीके से भी लिखोगे तो आप रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर आप लिखोगे ये तो सही रहेगा ज्यादा, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? दोस्तों बिस्मिल्ला संस्कार होता था प्रवेश के समय, इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? यह कथन है अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 31 है, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थियरी के लेखक हैं एडम्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, एडम्स, जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के क्या दो आधारभूत स्तंभ बताए हैं? तो जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र को दो आधारभूत स्तंभ बताए हैं। ये तो आप लोगों को वैसे भी पता ही होगा कि शिक्षा में दो जो महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं वो छात्र और अध्यापक ही होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन ड्यूबी का है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, यह कथन है फ्रॉवेल का। क्वेश्चन नंबर 35 है, यह कथन किसका है? शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है, यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है, हर्बर्ट और स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, यह कथन किसका है? शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे वह परम सत्य शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके, यह कथन दोस्तों है अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है, तो यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 38 है, यह कथन किसका? शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है, यह कथन है पेस्टालोजी का। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण या फिर पाठ्यक्रम बताया है?
तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम भी मिलेगा। तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या सामाजिक वातावरण बताया है जॉन ड्यूबी ने, और इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा, यानी कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या सामाजिक वातावरण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं, और बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु आज भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? तो जॉन ड्यूबी ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो द्विमुखी प्रक्रिया कहा है एडम्स ने शिक्षा को। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है? तो जॉन ड्यूबी ने कहा है, ये ऑलरेडी मैं ऊपर आपको बता भी चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 है, चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों रॉस का। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना है, यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 47 है, यह कथन किसने कहा? समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन रेमंड का है। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पेस्टोलॉजी का है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, यह कथन किसका है? यह कथन हरलॉक का है। क्वेश्चन नंबर 50 है, शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन ड्यूबी का। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों बगल में घंटी का भी निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हमारी आती हैं वो सभी आप लोग के पास, उन सभी का नोटिफिकेशन समय से पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब तक की जितनी भी वीडियोज हमने बनाई हैं आप लोगों के, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से क्लासेस ली हैं आप लोगों के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हैं, पवन सीरीज, राजन सीरीज, हम सभी को कंप्लीट करा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को हर एक वीडियो हमारे चैनल पर हर एक विषय की मिल जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो हर एक विषय की लिंक आपको मिलेगी, हर एक विषय की जितने भी वीडियोस हमने आज तक बनाए हैं आप सभी वीडियोस को कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स तो आप लोग बिल्कुल मत भूला करिए करना। आपके कमेंट्स और आपके लाइक हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं, ताकि हम उससे लगातार आप लोगों के लिए और अच्छा करें। आप लोग के लाइक और आपके कमेंट्स हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आप लोगों के लिए बेहतर वीडियोस और हम लेकर के आए, और लगातार लाते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। बस आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए और अपनी सभी समस्याओं का समाधान आप ऐसे ही यहाँ से पाते रहेंगे। और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप आसानी से देख सकते हैं, और इन सब की फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी। फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सिंपली टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करना है, और वहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी आसानी से। आप सभी विषयों की वीडियोस तो देख ही सकते हैं, साथ ही सभी विषयों के आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगे। तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, और ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते रहिए। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।